सामने इतने बड़े बड़े शिप्स लगे हुए हैं यार, कसम से जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा शिप इस तरह नजदीक से देखा है। और पिछली वीडियो से आप लोगों को याद होगा कि मैं मोहटा पैलेस गया, इतना खूबसूरत पैलेस है, मैंने उसको एक्सप्लोर किया। आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ चाइना पोर्ट, चाइना कटिंग, समंदर के बीच एक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत रास्ता, वहाँ पर जाऊँगा और आप लोगों को चाइना पोर्ट दिखाऊँगा और समुंदर का खूबसूरत नज़ारा कराऊँगा। अभी चलते हैं आगे सीधा, और टाइम लगेगा मुझे 5-10 मिनट। मेरी लिफ्ट थी, बहुत उसका शुक्रिया, गर्मी काफ़ी हो रही है। तो ये आपको ये थोड़े थोड़े खंभे नज़र आ रहे होंगे जो उल्टे लटकाए हुए हैं, ये है जी चाइना कटिंग। अभी इधर ही हम लोग जा रहे हैं। 15 मिनट्स लेटर भाई, फाइनली चल चल के आधा घंटे से अब आया है जी चाइना कटिंग। अभी मैं एंटर हुआ हूँ और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं है, कसम से बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। मैं समझ रहा हूँ कि एक किसी रेगिस्तान में आ गया हूँ और मैं यहाँ खो गया हूँ। पर भाई तुम लोग देख सकते हो, फाइनली मैं ये पोर्ट के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ और सामने इतने बड़े बड़े शिप्स लगे हुए हैं यार, कसम से जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा शिप इस तरह नज़दीक से देखा है। अभी तो और नज़दीक जा सकते हैं लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ से इस पोर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आता है, इसके जो आइलैंड्स बने हुए हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। A few moments later. और मेरे बिल्कुल साथ ही आप ये इस तरफ खूबसूरत सा समंदर भी देख सकते हैं, और ये इन्होंने पत्थर लगा के बहुत तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके इन्होंने ये काफ़ी हाइट पर इन्होंने ये बंद बनाया था ताकि पोर्ट की तरफ ज़्यादा पानी ना जाए और पोर्ट महफूज रहे। और इस साइड पर आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ वाली साइड पर ये लोग फिशिंग कर रहे हैं, कुछ बोट्स में बैठे हुए हैं और अभी ये आगे तक जाएंगे जहाँ तक गहरा पानी होता है, ये वहाँ तक जाते हैं। और आपको ये अंकल भी यहाँ पर दिख रहे होंगे जो बिना बोट के पानी में उतरे हुए हैं, और ये इन्होंने इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ है और मछली को पकड़ रहे हैं। ये सारे यहाँ उल्टे हाथ वाली साइड पर 1 बज रहा है, 1 बजे के टाइम पर ये सारे समुंदर के अंदर निकले हुए हैं और अभी फिशिंग कर रहे हैं। और इस साइड पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी बोट है और इतने बड़े बड़े बहरी जहाज भी आकर खड़े हो चुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। ये जो मेरे पीछे आप लोग टावर देख रहे हैं, ये टावर्स लगाए थे कुछ अरसे पहले ही। और वो क्यों लगाए थे, क्योंकि सी व्यू की तरफ एक बहुत बड़ा शिप आ गया था और वो फंस गया था। वो इस वजह से क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था और मालूमात ना होने की वजह से वो सी व्यू के साहिल पर जा पहुंचा और वो कई अरसे तक फंसा रहा।
तो इस वजह से इन टावर्स को लगाया गया है। मेरे ख्याल में इन टावर्स के ऊपर लाइट भी लगी हुई होगी, क्योंकि टावर लगाने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इशारा देना, तो ये इन्होंने इस वजह से ये टावर्स लगाए थे। और इस साइड पर आप ये छोटे छोटे जजीरे देख सकते हैं, खूबसूरत से पोर्ट के बिल्कुल थोड़ा सा आगे ये जजीरे बने हुए हैं। उस साइड पर आपको ये शिप आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कितना बड़ा ये शिप है। जहाँ पर पोर्ट होती है वहाँ पर अक्सर इस तरह का बंद बनाया जाता है ताकि पानी जो है उस साइड पर रहे। और ये शुरू हो रहे हैं इधर से ये ब्लॉक्स बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं, और इन पर चलना एक बहुत बड़ी महारत है। मेरे उल्टे हाथ पर चेहरे अपने जोरों शोर से मछली का शिकार कर रहे हैं, समुंदर के बिल्कुल बीच तक उतरे हुए हैं अपनी बोट से लेके, अभी उनका शिकार जारी है। उसके बाद ये मछलियाँ इनकी जाती हैं फिशरी जो है, वहाँ पर ये लोग जाकर बेचते हैं मछलियाँ, और जहाँ तक हो सकता है ये आगे तक जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं अभी तक जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में ख़तरनाक होता है और वापस आना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कराची का तो कभी भी नहीं पता होता कि अब मौसम चेंज हो जाएगा। रात में सर्दी होती है और दिन में गर्मी होती है। अभी तो हमारे सामने आ चुके हैं ब्लॉक्स, और मुझे इन ब्लॉक्स के खूबसूरती देखने का बहुत शौक था। मैं जब भी ये देखता था मुझे ये ब्लॉक्स बहुत ही अच्छे दिखते। आप लोग भी जब देखेंगे करीब से तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। स्टार्ट तक ही पहुंचा था और मैं यहां पर फंस गया हूं, और ये देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता है, कितना गंदा रास्ता है, और इसके ऊपर से मैं यहां से ऊपर यहां तक चढ़कर आया हूं, और अब मैं यहां पर बैठ चुका हूं, और अब मैं सोच रहा हूं इस रास्ते से आगे कहां जाया जाए और कैसे जाया जाए। तो आप लोग इस रास्ते में कभी मत आइएगा। तो अभी देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। बाकी जी जो व्यू है, व्यू का मैं कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, बोट्स चल रही हैं, समुंदर है और ठंडी हवा है। A few moments later. जी काफ़ी टाइम से मैं यहाँ बैठा रहा और इन्जॉय किया मैंने इस व्यू को, इस इतने खूबसूरत जिस जगह को मैंने कैप्चर किया, और देर हो चुकी है तो अभी हमें चलना चाहिए, रास्ता काफ़ी लंबा है। फाइनली हम इन गंदे गंदे पत्थरों से बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम आगे तक चलते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। One hour later. फिर से मुझे एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने लिफ्ट दी, आज मुझे ना लिफ्ट मिलती जा रही है, आज अल्लाह खुद रस्ते। तो भाई घर में पहुंच गया हूं और इतनी बुरी हालत हो गई है, गंदी हालत हो गई है, काला स्याह हो गया हूं। घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया था, कह रहे थे कि ये कौन मुसल्ली अंदर आ गया। तो भाई अभी मैं नहाता धोता हूं, थोड़ा साफ सुथरा होता हूं, तो यहां पर मैं व्लॉग को एंड करने लगा हूं। सब्सक्राइब लाजमी कर देना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।